गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग। आज है थर्सडे, अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30। तो चाय तो मेरे यहाँ फिलहाल अभी दूसरा टाइम ये चाय चल रहा है। पहला टाइम तो चाय पी चुकी हूँ, दूसरे टाइम में ये फ्रेश दूध आया है तो उसका चाय बना रही हूँ। और आज है थर्सडे तो आज है मेरा फास्टिंग, तो आधा काम तो निपट गया है फ्रेंड। बस मुझे अभी वो बनाने जा रही हूँ खाना, आलू गोभी की सब्जी, पालक की दाल और बैंगन पालक की सब्जी। तो चलिए मैं मिलती हूँ अपने फटाफट नाश्ता बना करके। और आज मैं थर्सडे है तो आज मैं पूजा करूँगी फ्रेंड, तो मैं वो भी आप लोग को दिखाऊंगी। देखिए मेरा नाश्ता जो है वो रेडी हो गया। ये रहा बैंगन पालक, ये अंदर है आलू गोभी, और इसमें बैंगन डाल के फिर आटा भी गूंथ करके रेडी रख चुकी हूँ मैं। मेरे यहाँ सब खा नहीं जाते हैं, तब तक मैं थोड़े झाड़ू वाड़ू मार लेती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ नाश्ता जो है वो कोई एक टाइम पे नहीं करता है। कभी मम्मी, कभी 1 घंटे बाद फिर ये, फिर 1 घंटे बाद पापा आते हैं, तो इस तरह मेरे 3 घंटे जो है वो किचन में ही बीत जाता है। तो फिलहाल मैं अभी नाश्ता जो है रेडी हो चुका है, जब तक मैं घर के लिए थोड़े झाड़ू वाड़ू मार लेती हूँ। तो फ्रेंड मैं ऊपर तो आ गई हूँ, यहाँ पे ऊपर में भी मैं झाड़ू मारती हूँ, लेकिन अभी तक मेरे घर कोई भी नहीं आया है। फटाफट झाड़ू तो मार दी मैं, लेकिन मैं आप लोग को एक बात बताऊं, एक बिल्ली है जो मेरे को इतना परेशान करके रख रखी है। आप ये मेरा बेड देख सकते हैं न्यू वाले, इस पे ये बेड पे ये क्या कर रही है ना, पूरे एक हफ्ते से जो मेरी बिल्ली जो है ना, वो ना इस पे आके ना पूरी ना पॉटी कर दे रही है। बार बार मैं इस पे बेडशीट कम से कम 6 बार एक हफ्ते में धो चुकी हूँ, गद्दे हट गए। अब उसके बावजूद भी वो नहीं मान रही है, तब मैं इस पे का अब देखे का गद्दा हटा दी हूँ, सोफे का कवर हटा दी हूँ, फिर भी मैं उसको चादर के अंदर ढक करके मैं सारे अपने वो क्या कहते हैं गद्दे बेडशीट तो का जो भी हो मैं इसके अंदर पैक करके रखी हूँ, फिर भी वे ऊपर से आके देखे पॉटी कर दी है। अब तो मैं इतनी ना परेशान हो गई ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। फिलहाल तो मेरे ऊपर साफ़ सफाई हो गया है, अब मैं नीचे जा रही हूँ नहाने, क्योंकि मैं अभी कॉल करके सबसे पूछी तो वो लोग बोले कि नहीं, अभी हम लोग आने में 1 घंटे लेट है। तो तब तक मैं सोची चलो अपना हाथ धो ही लूँ, कपड़े वपड़े ही धो लूँ। तो फ्रेंड मैं नहा धोकर के, आप देख सकते हैं मैं नहा धोकर करके रेडी हो चुकी हूँ पूजा करने के लिए। मैं पूजा रूम में आ भी चुकी हूँ, तो ये रहे मेरे साईं बाबा। फ्रेंड मेरा पूजा जो है वो हो चुका है, पूजा अब मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाने। वो अपने लिए चाय बनाने, फटाफट चाय पीती हूँ, तब जाके और थोड़ा मेरा मूड जो है वो और फ्रेश हो जाएगा, बोली जो है वो और तेज़ निकलेगा। फिलहाल तो अभी बिना चाय के। गुड इवनिंग, शाम हो चुके हैं, शाम के बज चुके हैं 6, और अभी मैं सबके लिए नाश्ता बनाई हूँ। तो नाश्ता में मैं बनाई हूँ सबके लिए चूड़ा फ्राई की हूँ, जिसमें मटर, प्याज, गोभी, बादाम ये सब डाल करके फ्राई की हूँ। अभी पापा नहीं आए हैं, जिस कारण मैं अभी चाय भी नहीं बनाई हूँ, और मेरा फास्ट है, तब शाम होते होते मुँह भी उतर गया। चूड़ा है शाम का, बादाम, प्याज, गोभी। अब चाय बनाऊंगी फ्रेंड, तो चाय और शाम के नाश्ता के लिए, शाम के लिए चाय और नाश्ता के लिए आ जाइए आप लोग भी। तो हो गए रात के खाने के टाइम, तो फिर से मैं आज फ्रेंड मशरूमी बना रही हूँ, क्योंकि पापा जो है वो कल 2 पैकेट लेकर आए थे, तो अब इसको ज़्यादा दिन रखूँगी तो ये सूख ही जाएगा, तो इसीलिए देख सकते हैं मैं फिर से मशरूम बनाने जा रही हूँ। और इस पर टमाटर की चटनी तवा पे वाली और रोटी, दूध। तो मिलती हूँ रात के डिनर के बाद। तो ये देखिए तो रात का जो डिनर जो है वो रेडी हो गया है। पापा के लिए दूध, टमाटर की चटनी, मशरूम का सब्जी, मीठा, रोटी, नीचे में एक दाल वाला वो भी है, पालक वाला परोठा, क्योंकि पापा जो है ना ज़्यादा चिकना नहीं खाते हैं इसीलिए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड पापा को जो है वो अचानक जाना है विंध्याचल, तो अब मेरे को उनके कपड़े पैक करने पड़ रहे हैं। ये रहा रजाई, ये रहे उनके उलन कुर्ते आयरन कर कर, यहाँ पे इनके सारे कपड़े हैं पैकिंग करने हैं मेरे को, साथ में मेडिसिन, क्या क्या कितने सारे काम निकल आते। तो फ्रेंडों की बाय, गुड नाइट। आज का मेरे को आप लोग का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरा अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और ओके फ्रेंड, मैं आज का ब्लॉग अभी यहीं पे बंद करती हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत सारे काम है, पापा का पैकिंग भी करना है, सारे अभी बर्तन भी पड़े हुए हैं सबके रात के डिनर के,
तो और कल मेरे को मॉर्निंग 2 बजे नहीं 1 ही बजे उठना है क्योंकि पापा को 2 बजे निकलना है, तो इसलिए फ्रेंड ओके बाय गुड नाइट, थैंक यू मेरा ब्लॉग देखने के लिए।